शहर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आए दिन कहीं कार्यालय के सामने कचरा फेंक कर प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं कार्यालय को घेर कर। शनिवार को भी इसी क्रम में विपक्ष के नेताओं द्वारा शहर के दो क्षेत्र गढ़ा व दमोहनाका नगर निगम जोन में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का पुतला दहन करते हुए महापौर इस्तीफा दो और चूड़ी पहनकर डांस करो के नारे भी लगाए। इस बीच पुलिस के साथ विपक्ष के नेताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। हम आपको बता दें कि यह प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा केवल इसलिए किया जा रहा है कि सफाई कर्मियों के वेतन न मिलने से सफाई और कचरा कलेक्शन का काम कर्मचारियों ने बंद कर दिया था, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था तहस नहस हो गई है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। युवक कांग्रेस और पार्षद साथियों ने नगर निगम में सांकेतिक प्रदर्शन किया है और महापौर को नगर निगम प्रशासन को चेताने का प्रयास किया है। पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं घरों में कचड़ों के ढेर लगते जा रहे हैं, कॉलोनियों में सड़कों पर डोर टू डोर व्यवस्था पूर्णतः बंद है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए क्योंकि उनको वेतन मान नहीं मिल रहा है, लेकिन निगम प्रशासन द्वारा और महापौर द्वारा कोई भी ऐसा उचित प्रयास नहीं किया जा रहा है कि इस व्यवस्था को तुरंत सुचारू रूप से चालू करें। आने वाले समय में 3-4 दिनों में यदि ये व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं होती तो हम युवक कांग्रेस के साथी और पार्षद साथी यहीं पर टेंट लगा के धरना देंगे और जब तक ये व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं होती हमारा अनशन चालू रहेगा। महापौर जी सिर्फ बातों के झूठे फुलंदा दे बता रहे हैं। कभी बताते हैं हम नर्मदा जी में गंदा नाला रोक देंगे, कभी बताते हैं 12 लाख वृक्षारोपण करेंगे, कभी कभी सम्मेलन कराने लगते हैं। कार्टून नेटवर्क हो गए महापौर जी पूरे। जो शहर में करना चाहिए बहुत मूलभूत व्यवस्थाएं को ध्यान देना चाहिए वो छोड़ के बाकी महापौर जी पूरे काम कर रहे हैं। महापौर जी को मैं चेताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में यदि 2-3 दिनों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती तो यहाँ पर घोर प्रतिकार करेंगे और हम लोग हमारा संतर पे आरंभ करेंगे। वहीं इस विषय में महापौर का कहना है कि सफाई कर्मी काम पर लौट आए हैं और सामान्य रूप से घर घर से कचरा एकत्रित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी विपक्षी नेता कह रहे हैं कि महापौर सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर आपके भी क्षेत्र में कचरा गाड़ी नहीं आ रही है या फिर साफ सफाई नहीं हो रही है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द लोकमंगल न्यूज़।